हर इंसान की कोई ऐसी बात होती है जो उसके हमेशा दिल में रहती है, वो किसी से कहता नहीं है, कि आज वो बात आप अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा अगर हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीलॉग ख़त्म कर दें जल्दी। क्या बात है, एक मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ था, अगर गुनाह करके थक गए तो अंदर आ जाओ। उसके नीचे एक लड़की लिपस्टिक से लिख गई, अगर नहीं थके तो मंदिर के पीछे आ जाओ। तो अली भाई, इस वक्त सारे यूट्यूबर्स को भी मिला रहे हैं, हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं अली भाई की सरपरस्ती में। अली भाई ने अच्छा कुछ बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान में और खासकर कराची में। ये आप हालत देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तानी फैंस की। पहले के जो हमारे बॉलर थे शुएब अख्तर वगैरह, उनमें बहुत पावर होती थी। आजकल के लड़के जो हैं ये अनफिट क्यों हो जाते हैं? मुझे क्या पता ना, मैंने उन्होंने ट्राई किया नहीं। कसम से ये बात मैंने कहीं कही नहीं है। बरकत भाई वो बात चुदा किसी से ना कही, किसी से मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसको तो लगा दे बस। ये मैंने अहमद के शो में भी नहीं कही। अगर मैं बहुत से माँ बाप को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप अपने बच्चों को बहादुर बनाना है ना, तो अपने बच्चों के सामने ना लड़ें। अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे डरपोक पैदा होंगे। माँ बाप को हमेशा बंद कमरे में लड़ना चाहिए, बच्चों के सामने हाँ बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। आओ वहाँ से घुस के अंदर आओ। तुम यार दिल खराब कर देती है यार, दिल खराब एक जाएगा दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा। ब्लाइंड क्रिकेट आज बड़ी जबरदस्त हुई है और 188 का हमने टारगेट दिया है और मेरी नज़र में ये बहुत टारगेट है यार। रॉय पहुँचना है वहाँ आधे घंटे तक। बड़े बोल दिए थे बाबर ने, बोला था ग्राउंड में आप मेरी परफॉर्मेंस देखिएगा, सब पे जवाब ग्राउंड में दूंगा। शाहीन ने बोला 5 मिनट से लूंगा। यार हारू तो हारू, कम से कम इज्जत तो ना उतारो। वही तो, अब क्या इज्जत रह गई हमारी फेसबुक पे, हमारी इज्जत क्या रह गई? अब पड़ेंगी हमें गालियाँ यार। हम डिजर्व भी करते हैं गालियाँ मेरे भाई। और लोकेशन पे अब हम आ गए, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या सीन है। बस स्ट्रीम ऑन है, स्ट्रीम ऑन है। और मैंने जाते ही क्या करना है, आपके भाई का मेकअप हुआ। मतीरा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये हमारे पहले शाहीन आफरीदी ने कहा है कि वो आज 5 विकेट लेगा, वो होगा नहीं होगा? वो 5 चौके तो खा चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं, 1 छक्का भी है, 1 छक्का भी खा चुका है, अब और क्या खाएगा वो? पूरा पाकिस्तान पूछना चाहता है कि पहले के जो हमारे बॉलर थे शुएब अख्तर वगैरह, उनमें बहुत पावर होती थी। आजकल के लड़के जो हैं ये अनफिट क्यों हो जाते हैं? मुझे क्या पता ना, मैंने उन्होंने ट्राई किया नहीं। सानू मेरे की पता। तो मतीरा कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, इसके आगे की बात मैं कह नहीं सकता, आप खुद सुनिए। अच्छा ये अली भाई की आप एंट्री चेक करें आज। मोहम्मद रिजवान हमारे साथ आ रहे हैं। हमारी मूवी भी आने वाली है, नयाब क्रिकेट फिल्म बनी है पाकिस्तान में, फर्स्ट फिल्म है क्रिकेट पे बनी है। यस, विमेन क्रिकेट पे। अच्छा अच्छा, ये भी है उसमें। अच्छा अच्छा, सही। यस, तो वो उस्मान मजहर भी है। आपकी मूवी आ रही है। अच्छा आप भी हैं, तो फिर आप भी होंगे? नहीं मैं नहीं हूँ। आप कहाँ पे? मैं किसी मूवी में नहीं लेते मुझे। अच्छा अच्छा, मेरी पर्ची नहीं है। हाँ सर, मैंने आपको कहा था कि मैंने एक और जगह जाना है, तो मैं उस जगह पर आ गया और अभी रात हो गई है और मैं मैच नहीं देख रहा क्योंकि मैच का जो है ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। और अभी हम जिस इंसान से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये इंसान अभी हमारे सामने आने वाले हैं और हरा है भरा है, इस मुल्क का नौजवान हमारे सामने खड़ा है। ध्यान भाई। लेकिन ये नहीं है मेरा भाई, ब्राइट लग रहा है इसमें। तो अभी मिलते हैं अली भाई से, और अली भाई थोड़ा मसरूफ रहते हैं, मैं चाह रहा हूँ अली भाई से मुलाकात करवाऊँ। आइए ला दें अली भाई से, पहले हम कैमरे के साथ मिल सकते हैं। अली भाई सलाम अलैकुम। ठीक है। तो अली भाई, इस वक्त सारे यूट्यूबर्स को भी मिला रहे हैं, हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं अली भाई की सरपरस्ती में। अली भाई ने अच्छा कुछ बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान में और खासकर कराची में। ये दिखाना चाहता हूँ अब रेहान भाई की सादगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दुनिया के आगे स्टार हैं। माशाल्लाह, लेकिन अभी आप भाई के पैर दबा रहे थे, तो ये मोहब्बत है? नहीं दबा रहा था, जेबें चेक कर रहा था। अच्छा भाई, यकीन करें मैंने और बरकत ने बहुत साथ टाइम गुजारा है और मैंने जितना सीखा है बरकत से, सही यकीन करें। क्या सीखा? मैंने बहुत सीखा। सीखा क्या? सेट करते हैं कैसे और किस तरह लड़कियों को नंबर देते हैं। अच्छा बरकत भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़े से हम क्लोज हो जाएं।
क्योंकि मुझे आपके आपसे मिल के मुझे आपसे मिल के ऐसा लगा कि हमारा पहले रोमांस हो चुका है, मतलब रोमांस उस लहज से नहीं, मतलब भाईचारगी से। अच्छा बरकत भाई, आप मुझे सच सच बताएंगे मैं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप स्मार्ट हैं, आप खूबसूरत हैं, हसीन और जमील हैं, आप एक इंटेलिजेंट जीनियस ब्रिलियंट और खूबसूरत आदमी से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कॉमेडी अब बहुत चेंज हो गई है। बिल्कुल, मैंने आपको देखा है कि आपकी कॉमेडी जो है ना वो ये पुरानी नहीं, वो पुरानी नहीं, मतलब उसमें एक तहजीब है। अच्छा। एक मतलब एक फैमिली शो है, एक फैमिली शो है आपकी, मतलब मैं कहता हूँ बड़ा बुड्ढा छोटा मुर्दा सब बैठ के आपकी कॉमेडी देख सकता है। लेकिन ये आजकल के जो बच्चे हैं जो गंदी कॉमेडी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं पैसों की खातिर? देखो गंदी कॉमेडी तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कवर किया। देखिए हमारे माशरे में क्या है कि गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं जी, तो हम गंद उठा नहीं रहे, हम गंद फैला रहे, लेकिन उस नियत से नहीं फैला रहे जिस नियत से फैलानी चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि उज़्मी जो है वो मेरी बातों को कवर करता है सही, लेकिन कोशिश ये करते हैं बहुत सारी चीज़ों को मैं रोकूं, मैं नहीं रोक पाता, लेकिन कोशिश ये होती है कि अब मैं रोकूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे समझाया जी, क्योंकि हम मर जाएंगे ये कॉमेडी चलती रहेगी, सबने का फिटकार मिलती रहेगी, तो मैं डर गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ढकी छुपी बात हो, जू महीने बात हो, मतलब एक वल्गर ना। मेरा जो ओपिनियन है भाई, सीधी बात में क्लियर बात करूँगा, कपिल शो में अगर बरकत उज़्मी जाए दोनों, तो मैं कहता हूँ कि सारे आर्टिस्ट एक तरफ, बरकत उज़्मी एक तरफ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दोनों जाएंगे तो दो सोफे रखने पड़ेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता उस प्रोग्राम में। नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं सारे आर्टिस्ट एक तरफ, हम एक तरफ, तो हम एक तरफ शो कर रहे होंगे, वो एक तरफ कर रहे होंगे, सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं चले जाते हैं। और आप देखिए बात यह है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा गुरूर है। और गुरूर का सर नीचे है। हाँ, सर अगर आप नीचे करके चलेंगे तो आपको रोड पर पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। है आपका खुश नसीब इंसान वही है जिसकी बेगम खूबसूरत। वाह 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 वाह, वो खुश नसीब नहीं है, मोहल्ले वाले खुश नसीब, मतलब बीवी। देखिए बात, अच्छा बरकत भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कैमरा खुलता है तो मेरे अंदर सवाल आ जाते हैं, वरना मैं ऐसा हूँ जैसे कि एक बहरा लड़का। सही है बरकत भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये भी बहुत अच्छी बात की, बहरे बन के सुनो उस्ताद शागिर्द बनो। यहाँ आप किसको नसीहत करो? सब कहते हैं मुझे पता है। अच्छा, और आजकल नसीहत भी तभी असर करती है जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ। बात यह है कि कहना पड़ता है कि मुझे पता है। असल में एक था बादशाह, उसका एक नौकर था, बादशाह का जो बेटा था ना, कि अब्बू ने उसको सिखाया कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ जंग लड़ने के लिए, लेकिन पीछे कोई भी आए अगर माँ तुमसे पूछे तुम्हें कुछ पता है, तुम बोलना हाँ मुझे सब पता है। माँ ने एक दिन पूछ लिया बेटा तुम्हें कुछ पता है, उसने बोला सब पता है। तो बोलिए बेटा अपने अब्बू को नहीं बताना कि रामू काका के बेटे तुम ही हो। आप जो है ना, आप सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करें, नेक नियत, मैच्योरिटी। देखिए बात पता है, ये कहाँ मैच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हैं। तो आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करेंगे, इर्द गिर्द के माहौल की दुआएं, ब्लेसिंग बड़ी ज़रूरी है यार, दुआ दस्तक की तरह ना, मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल ही जाता है। लेकिन ज़रूरी है और पेमेंट भी ज़रूरी है। आप बर्गर के पीछे भागे, पेमेंट तो आप बर्गर चिप्स तो कहते थोड़ी और दार वो डाल देगा। क्या बात है, एक मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ था अगर गुनाह करके थक गए तो अंदर आ जाओ, उसके नीचे एक लड़की लिपस्टिक से लिख गई अगर नहीं थके तो मंदिर के पीछे आ जाओ। जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी से एक चीज सीखी है, देखो उस्ताद और जिंदगी में क्या फर्क है, मौला का कौल है। उस्ताद सिखा कर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सिखाती है, ये सीखा है जिंदगी से। मतलब वो गाना सही है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सही बात। आपने क्या सीखा जिंदगी? जिंदगी से मैंने ये सीखा, मैंने मोहब्बत सीखी। और कहते हैं अगर मोहब्बत के हवाले से बात हो रही है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर दुकान पर कस्टमर पड़ने लग जाए ना, तो फिर दुकान बड़ी हो जाती है। हर इंसान की कोई ऐसी बात होती है जो उसके हमेशा दिल में रहती है, वो किसी से कहता नहीं है, कि आज वो बात आप अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा अगर, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीलॉग ख़त्म कर दें जल्दी, कसम से बात मैंने कहीं कही नहीं है। बरकत भाई वो बात खुदा किसी से ना कहीं, किसी से मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसको तो लगा देना बस, ये मैंने अहमद के शो में भी नहीं किया। सही, अगर मैं बहुत से माँ बाप को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को बहादुर बनाना है ना, तो अपने बच्चों के सामने ना लड़ें। अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे डरपोक पैदा होंगे। माँ बाप को हमेशा बंद कमरे में लड़ना चाहिए, बच्चों के सामने, हाँ बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए।
मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरी जिंदगी, क्योंकि बच्चे अगर बचपन में ही खून खराबा देख लेंगे ना तो जवानी में आके वो खून खून खराबा की बात नहीं, शोर शराबा, पहला शोर शराबा। जी तो आप ब्लॉग कॉम करते हैं एंड और इस पोस्ट में तो माशाल्लाह से भाई व्यूज ही व्यूज है। मेक्सिकन फूड आ रहे हैं। अच्छा अभी सब कुछ है, बिरयानी वगैरह पार्सल का इंतजाम भी है। जाते जाते भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे जी, अल्लाह आपको हिदायत दे। दुनिया में वालदेन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सही, इसलिए जल्दी से शादी करो और वालदेन बन जाओ। आपको ये लगता है कि मेरे जो बच्चे होंगे वो भी मेरी इज्जत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप असल में अभी तो इज्जत नहीं करवा रहे, लेकिन ये ऑपोजिट होगा, बच्चे करेंगे आपकी। मतलब आने वाले 25 साल बाद यही हमारा जो कॉन्टेंट है ये इज्जत के लायक होगा? आजकल के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जिसके सियाने बुजुर्ग हम होंगे, क्या होगा? तो रिस्पेक्ट बड़ी जब बुजुर्ग ही ऐसे होंगे। सही बात है, तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम कभी नहीं ढांप सकती। सही बात है। और अगर बारिश में अम्ब्रेला ना हो तो आप अपने आप को नहीं ढांक सकते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। अब अपना ख्याल रखिएगा। सही है, ओके रेहान भाई, अम्ब्रेला, ओके ओके उसमें भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? चले आप बोल रहे तो खा लूंगा। तीन बज रहे हैं और इस वक्त अभी हम जो है अपने घर जा रहे हैं। और बारिश थक गए क्या यार? आज बहुत ज्यादा थकान हो गई मेरी टांगों में, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है यार। टांगें खत्म हो गई तुम्हारी यार, वाकई में यार। चलो ब्लॉग यहाँ खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।